जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की वीडियो बात करने वाले डीके गोयल सर की बुक से 2024 एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के टॉप मोस्ट क्वेश्चन बता दो, जिसको कर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। इससे पहले मैंने फंडामेंटल गुडविल चेंज इन पीएसआर एडमिशन पार्ट ए एडमिशन पार्ट बी आपको ऑलरेडी करा दिया है। यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं, जहां आपका 1/2, 2/6 और 1/6, यानी इसको रेशियो बनाएंगे तो दोस्त बनेगा ये 3:2:1। इसमें से आर रिटायर हो रहा है, जो भी रिटायर होता है हम उसके शेयर को गोला मार देते हैं, इस तरह सर्कल कर देते हैं, और उसके हिस्से को पी एंड क्यू ले रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1 में। तो आपको ये करना पड़ेगा। देन दोस्त एस एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, उसका 1/3 हिस्सा पी दे रहा है और रिमेनिंग शेयर इक्वली ले रहा है पी और क्यू से। यानी इसमें करना क्या होगा दोस्त, 1/4 का 1/3 जो होगा उसके आगे जो भी आएगा 1/12 वहां लिखना पड़ेगा फ्रॉम पी, और 1/4 इंटू 2/3 इंटू 1/2, यानी 1/3 इसने दे दिया तो बचा कितना रिमेनिंग 2/3, और 2/3 को दोनों इक्वली लेंगे तो दो बार ऐसा करना पड़ेगा आपको फ्रॉम करने पर। स्टिल कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ शेयर कर रहा हूँ मैं 7906786321 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ तक होता है। देन क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्त तीन रेशियो दिए हुए हैं, तीन सिचुएशन दिए हैं, जहां पर पहले आपका सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए इक्वली ले रहा है, फिर डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए जो डिफरेंट ले रहा है, फिर आपका एक पार्टनर मर जा रहा है, तो उसमें एडमिशन रिटायरमेंट मिक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 6 नंबर तक का पूछा जाता है, और अगर आपसे नहीं होता तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका हूँ, आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेरी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर 21 में पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए आपको याद दिलाएगा गुडविल वाले चैप्टर की, जहाँ प्रॉफिट लॉस दिए हुए हैं आपको 3-4 साल के, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। यानी जितना हिस्सा इसके खाते में गया है प्रॉफिट का, उसका आधा कर लोगे वो गुडविल मानी जाएगी। यानी गुडविल को निकालने का एक डिफरेंट तरीका, जो गुडविल वाले चैप्टर में नहीं था, वो यहाँ आपका आएगा। 21 के बी में दोस्त ABCD 3-4 पार्टनर है, इसमें से ए और सी रिटायर हो रहे हैं फर्म से, न्यू रेशियो दिया है तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकालेंगे आप। बी और डी को आप डेबिट करेंगे गेनिंग पार्टनर से, और ए और सी को क्रेडिट करेंगे बिकॉज वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। देन क्वेश्चन नंबर 34 आपको याद दिलाएगा पिछले चैप्टर एडमिशन की, जहां पर रिवैल्यूएशन बनाना अनिवार्य है, बिना रिवैल्यूएशन के आपके क्वेश्चन नहीं होगा। आगे क्वेश्चन में चीजें कुछ सिमिलर सी आपकी ऐसी हो जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस को आपको डेबिट साइड डालना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल में, ओल्ड रेशियो में। देन दोस्त आर को 15,000 रुपये कैश में पे कर रहे हैं, और बाकी का बैलेंस हम लोग लोन बना दे रहे हैं, यानी जो भी उसका पेमेंट बना होगा 69,000 का, तो 15 कैश में दे रहे हैं, 54 का लोन बनाकर बैलेंस शीट आपको मैच करानी पड़ेगी। क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्त जा रहा है, जहां पर पार्टनर के लोन अकाउंट दिए हैं एक्स और वाई के, और जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है। इधर दो चीजें जो कि आपके P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट साइड जाएंगी। क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है 80,000 की, और अमाउंट ड्यू जो रिटायरिंग पार्टनर का हो रहा है वो एक्स और जेड के खाते में जाएगा। तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 6 नंबर में चॉइस में आता है, एडमिशन के संग चॉइस आती है कई बार, ठीक है। यहां पर टोटल 5 एडजस्टमेंट दी हुई है आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। देन 6th एडजस्टमेंट बोलती है आपको गुडविल जो है फर्म की 1,80,000, और बी का शेयर जो है वो ए और सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 लेंगे। देन बी को 50,000 रुपये कैश पे करेंगे, बाकी का लोन अकाउंट जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला लगा है। क्वेश्चन 43 में दोस्त आप आगे बढ़ेंगे, जहां पर बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, बट ये एग्जाम में सैंपल पेपर्स में 4 मार्क्स तक का पूछा गया है। यहां पर एक चीज अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, जिसको पहले रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करना पड़ेगा आपको ईयरिंग, उसका प्रॉफिट तीनों पार्टनर बटेगा, देन उस चीज को लेकर जा रहा है भैया एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 1,00,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस क्लेम ऑफ 70,000, तो आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे डिसॉल्यूशन में आता है, बट इस टाइप का रिटायरमेंट में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं, जहां पर एक सिंगल क्वेश्चन आपको पूरा रिवैल्यूएशन अच्छे से रिवाइज कराएगा। फर्म की कैपिटल 35,000 रखी गई है, जिसको न्यू रेशियो में डालेंगे, और जो भी फिर डिफरेंस बनेगा उसको आप करंट अकाउंट या कैश में आप देख लेंगे, जैसा कि बोलेगा, कैश में बोल रहा है क्वेश्चन आपका। आफ्टर दैट दोस्त क्वेश्चन में इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी है कि लोन का जो पेमेंट है वो इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज नहीं आएगा, बट कुछ चीजें आकर 6 नंबर में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 52 लोन के लिए इंपॉर्टेंट है, या दो मेथड से इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट होगा हमारा, कि बाय बैलेंस बीडी में, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन उसका पेमेंट बना देते हैं हम 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट। यानी जो भी इनका लोन अमाउंट होगा उसको ईयरली इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, जैसे 3 लाख का लोन है 60,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस उसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे हम लोग।
देन क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ मूव करते हैं, जहां पर हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, और इसको करने के बाद हमारा पूरे रिटायरमेंट चैप्टर के टॉप 10 11 क्वेश्चन से आपका पूरा रिटायरमेंट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी रिटायरमेंट 6 नंबर वाले में चॉइस में आता है, 1 नंबर और 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट चैप्टर जितना एडमिशन इंपॉर्टेंट था आपके लिए गुडविल चेंज इन पीएसआर था, फंडामेंटल था। एक दो बार ओवरव्यू देख लेना, 10 क्वेश्चन को कर लेना। लोन वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 4 नंबर तक का पूछा जाता है, इन चीजों को जो अलग से लग रही है, नई सी लग रही है, उनको कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिमिलर रहते हैं एडमिशन से। इसके अलावा डेथ का चैप्टर अगली बार हम वीडियो में करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन के साथ, देन रिजोल्यूशन कर पूरा हमारी सीरीज कंप्लीट होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।